भी की चर्चा करें अपन। आज हम समांतर श्रेणी से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा समांतर श्रेणी। समांतर अब दोस्तों मेरी बात सुनिएगा कि समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात अपन चर्चा करें तो वह सीक्वेंस या वह श्रृंखला जिसके प्रत्येक पदों के मध्य अंतर समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। हमने क्या कहा कि कोई भी अनुक्रम हो, कोई भी अनुक्रम अनुक्रम जैसे अपने पास में A1, A2, A3, A n के प्रत्येक पदों के प्रत्येक पदों के मध्य अंतर समान हो, समान हो तो उस अनुक्रम अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं। अब दोस्तों मेरी बात सुनिएगा कि हमने जो अनुक्रम माना वह है A1, A2, A3, An। इस प्रकार से ये कोई अनुक्रम है। अब इनके मध्य जो अंतर होता है वह अंतर यदि समान हो तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी का जो अंतर रहेगा प्रत्येक पदों के मध्य, समांतर श्रेणी में पदों के मध्य अंतर, पदों के मध्य अंतर को D से प्रदर्शित। अब जैसे मैंने अनुक्रम माना A1, A2, A3, A4, ये अनुक्रम है। अब इस अनुक्रम में A1 का मान पहले पद में तो किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है तो ये A1 ही। अब इसी प्रकार से यदि मैं A2 का मान निकालूं तो A2 और A1 के बीच में जो अंतर है उसे हम D से प्रदर्शित करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि A1 प्लस ये हमारे पास में दूसरा पद हो गया। अगर तीसरा पद निकालें ऐसे ही A3 तो उसका मान होगा भाई A1 तो जहाँ का जहाँ और उसमें जो अंतर आ रहा है एक तो ये हो गया D, फिर ये अंतर आ गया D क्योंकि ये तो हर पद में समान है तो यहाँ पे लिख देंगे A1 प्लस अब D A3 तक जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा 2D। इसी प्रकार से आगे भी चर्चा करें जैसे A4 पद का मान निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा A1 प्लस और इसी प्रकार से जब हम आगे भी मान निकालें तो An बराबर A1 प्लस NB। इस प्रकार से आसानी से एक समांतर श्रेणी के m पदों के रूप में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। यह हमारे पास में एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी को लिखने का ये तरीका होता है। एक अच्छा नाम भेज जाना चाउमिन तोड़ी का लगा समांतर श्रेणी की एक सिचुएशन बना सकते हैं। तो हमारे पास में जो समांतर श्रेणी बनी वह A1, A2, A3, A4, An। An जो nवां पद है उसका मान हमारे पास में समांतर श्रेणी में A1 प्लस NB होता है। अब यहाँ पर इस जो सीक्वेंस मानी इस सीक्वेंस के अंतर्गत An को
हम श्रेणी का अंतिम पद करते हैं, अंतिम पद। इसी प्रकार से दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है, ए वर्ग है वह श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है, प्रथम पद। और इसी प्रकार से डी सार्व अंतर, इसको सार्व अंतर कहते हैं। और एन पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब आप इसका मतलब यही है कि पद कितने हैं हमारे पास में, तो पदों की संख्या होती है। अगर हम समांतर श्रेणी के दो पदों के बीच यदि अंतर निकालना हो, तो अंतर निकालने के लिए जो d का मान वह अगर दो पदों में सीक्वेंस है तो a1 वन यहाँ पर क्या लिखेंगे, a2 टू माइनस ए, दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाए तो वह सार अंतर कहलाता है। अपने को ध्यान ये रखना है कि यदि दूसरे पद में से पहला पद घटा दें तो वह सार अंतर, सार अंतर। इसका मान होगा कि दूसरे पद में से प्रथम पद घटा दिया जाए तो हमारे पास में अंतर आ। जैसे डी वन बराबर डी वन का मान छी है तो यहाँ पर क्या बदलेंगे, ए टू माइनस ए वन। इसी प्रकार से अगर आपको डी टू का मान छी है तो डी टू का मान निकालने के लिए डी टू बराबर ए थ्री माइनस ए थ्री, यदि हम अगले पद में से पिछला पद घटता जाएगा उससे हमारे पास में अंतर आ जाए। अगर कोई भी श्रेणी हो और उस श्रेणी में ये पदों के बीच का जो अंतर आ रहा है सार अंतर, अगर ये समान नहीं आता है दोस्तों तो वह श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। अब इनसे संबंधित जो हमने समझा, इससे संबंधित अपन कुछ आपकी दोस्तों हम चर्चा करें एक्सरसाइज 5.1, इसमें देखते हैं कि अपने को क्या बताया गया है। पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, जिसमें यह कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी ज्ञात कीजिए। एक तो आपको प्रथम पद ए और ए सार्व अंतर डी का मान ज्ञात करना, ये दो चीजें अपने को ज्ञात करनी। अब जैसे पहला ही इसका सवाल है उसको समझिएगा दोस्तों, 6, 9, 12 और 15 ये हमारे को दी गई श्रेणी है। अब इस श्रेणी में यदि प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद ए वन बराबर 6, तो प्रथम पद का मान तो 6 हो गया। और अंतर की बात करें तो सार्व अंतर बी बराबर ए टू माइनस ए वन, और ए टू में से ए वन घटाएंगे तो दोस्तों 9 - 6 = 3, ये हमारे पास में सार्व अंतर आ चुका है। अब हम ये भी चेक करें कि वास्तव में समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आप इसका डी टू भी चेक कर लीजिए। अगर 12 में से 9 घटाओगे तो भी हमारे पास में 3 ही बचेंगे, इसका मतलब समांतर श्रेणी भी है। तो आसानी से पहला सवाल हो गया। इसी प्रकार से इसका दूसरा सवाल है जिसमें कहा है -7, -9, -11 और -13। प्रथम पद ए वन बराबर -7 है और b का मान निकालेंगे तो a2 माइनस ए वन, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना a2 का मान -9 है और a1 का मान -7 है, ये तो माइनस कौन सा है ये वाला, और -7 ये माइनस के साथ। अब यहाँ पे आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि माइनस माइनस होना होगा तो प्लस का बन जाएगा, इसका मतलब -9 और प्लस के 7, तो 9 में से 7 गए तो माइनस के हमारे पास में 2, तो श्रेणी का अंतर कितना आया माइनस के। ऐसा नहीं कि आप -7 और -9 को जोड़ गड़बड़ हो जाए, क्योंकि घटाने का तरीका आपको आना चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों देखिएगा कि 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2, इसमें भी अपने को अंतर निकालना। प्रथम पद ए वन का मान 3/2 और अंतर डी बराबर ए टू माइनस ए वन, तो यहाँ से देखेंगे ए टू का मान है 1/2 और ए वन का मान है 3/2। अब इसका एलसीएम लेकर घटाएंगे तो 2 एलसीएम आया और इसमें से 1 - 3, अब बच गया माइनस का 2/2, हट गया -1, तो अंतर कितना आया -1।
इस प्रकार से हमारे पास में ये अंतर आ चुका है, ये आंसर। अब ये गुणाभाग तो आपको करने आने चाहिए, तभी जाके आप अंतर निकाल पाओगे। अब बाकी के सवाल आपको इसके एक्सरसाइज 5.1 के पहले के आपको ही करने हैं। मैं अब आपको दूसरे क्वेश्चन से संबंधित जानकारी देता हूँ, क्योंकि अपन क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करें और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है, किस तरह से अपन इसको कर सकते हैं देखते। इसमें कहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद व सार्व अंतर दिया गया है तो श्रेणी के चार पद बनाए, अंतर दिया गया है श्रेणी के चार पद लिखिए। अब दोस्तों मेरी बात सुनिएगा, किस प्रकार से अपन इसके श्रेणी के चार पद लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसमें आपसे कहा गया है कि a बराबर -a और b बराबर 1/2 दिया गया है। अब यहां से अपने को समझना है कि a का मान दिया है और b का मान दिया है, अब इससे श्रेणी कैसे बना। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि श्रेणी a1 a2 a3 और a4 यही चार पद निकालने, आगे भी अपन चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब a1 का मान तो आपसे मैंने कहा था कि a1 तो a1 ही लेता है, जहां का जाए देखो, तो इसका तो मान कितना है 1 है। अब इसके बाद में आगे देखिए कि a2 का जब हम मान निकालते हैं तो a1 प्लस d होती है, तो a1 में d जोड़ो, इसका मतलब हमारे पास में -1 में 1/2 जोड़ेंगे। अब -1 में 1/2 जोड़ें तो 2 एकम 2, 2 में अब माइनस के 2 में से 1 हटाओ प्लस का, तो हमारे पास बच गया माइनस का 1/2, तो ये a2 हो गया। इसी प्रकार से a3 का मान निकालेंगे तो a1 प्लस 2d, यहाँ पे क्या जाएगा 2d, क्योंकि मेन सूत्र क्या था an बराबर a1 प्लस nd। अब n का मान 1 2 3 4 कुछ भी रखते चले जाओ, तो यहाँ पे पहला हो गया, ये दूसरा गया, तो दूसरा आया तो मान रखो। अब माइनस ए और प्लस डी का मान 1/2 है, पर 2 से गुणा करना, तो 2 × 1/2, 2 से 2 खत्म। अब 1 में से 1 गया तो हमारे पास बच गया 0, और चौथा मान निकालेंगे 1 और, तो a1 प्लस 3b। अब यहाँ से देखते हैं कि a1 का मान तो वही -1 प्लस 3 × 1/2, अब हमारे पास में कट नहीं रहे हैं तो नहीं कटते हैं तो आप गुणा कर दीजिए, क्या लिख सकते हैं इसको, -1 तो जा कर जाओ और 3 एकम 3/2 लिखा जा सकता है दोस्तों। अब आगे क्या करें, इसको हल करें तो 2 एकम 2 इसके बन गए -1, अब -2 और +3, तो -3 +3 में से -2 गए तो 1 बच गया और 2 हो गए, ये हमारे पास में चौथा मान निकल चुका है। तो अतः श्रेणी बनेगी, क्या बनेगी कि a1 का मान तो -1, फिर इसके बाद में मान आया -1/2, फिर इसके बाद में मान आया 0, फिर इसके बाद में मान आया 1/2, और आगे भी हम चाहें तो इसके पद और निकाल सकते हैं। हमारे को सवाल में यही कहा था कि चार पदों तक की श्रेणी बनाएंगे, तो हमने चार पदों तक की श्रेणी बना ली। ऐसे ही मैं अभी आपको कुछ और क्वेश्चंस भी समझा देता हूं, देखिए। आपको इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, a बराबर 1/3 और b बराबर 4/3। अब अपने को सीक्वेंस श्रेणी बनानी है, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। सिंपल रूप में डायरेक्ट लिखो तो a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं, और a प्लस 3d, ये चार पदों तक अपन ने मान निकाला। तो a का मान तो 1/3, दूसरे का मान 1/3 प्लस d का मान 4/3,
फिर 1/3 प्लस 2 × 4/3, फिर 1/3 प्लस 3 × 4/3। अब जो कट रहा है उनको काटते चले जाओ, हल करते चले जाओ, ये तो जाता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका लघुगणक लिया तो 4 × 1 कितना हो गया 5, 5/3। इसमें देखेंगे 4 × 2 = 8, तो 8 और 1 = 9/3। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे अपने पास में 3 × 12, 12 × 13, 13/3 लिख सकते, 12 × 13, 13/3 ये हमारे पास है। इसमें a बराबर 0.6 और d बराबर 1.1, बहुत ही सिंपल। सरल लिखे पहले तो सरल है, a a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। अब देखते हैं a का मान होगा 0.6, a प्लस 0.6 प्लस 1.1, 0.6 प्लस 2 × 1.1, फिर 0.6 प्लस 3 × 1.1। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, ये तो जाता था 1.1 में 0.6 जोड़ेंगे तो 1.7। इसी प्रकार से इधर 2 से गुणा किया तो 22, 22 का मतलब 2.2 और जोड़ेंगे तो 2.8। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3.3, 3.3 में जोड़ेंगे तो 3.9, ये हमारे पास। तो बहुत ही सिंपल है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो तो आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी उसको शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने मेहनत से हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत करने में सक्षम रह पाएंगे। थैंक यू चैनल को।